हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे गजेंद्र मोक्ष की कहानी के बारे में। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में किया गया है। क्षीर सागर में 10,000 योजन ऊंचा त्रिकूट नाम का पर्वत था। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथिनियों के साथ एक गजेंद्र यानी हाथी निवास करता था। वह सभी हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसके पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे तथा हथनियाँ भी घूम रही थीं। बड़े जोर की धूप के कारण उसे तथा उसके साथियों को प्यास लगी। तब वह अपने समूह के साथ पास के सरोवर से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने लगा। प्यास बुझाने के साथ वे सभी हाथियों के साथ जल स्नान कर जल क्रीड़ा करने लगे। उसी समय एक बलवान मगरमच्छ ने उस गजराज के पैर को मुंह से दबोचकर पानी के अंदर खींचने लगा। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वयं को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। उसके झुंड के साथियों ने भी उसे बचाना चाहा, पर वे सभी असफल रहे। जब गजेंद्र ने अपने आप को मौत के निकट पाया और कोई उपाय शेष नहीं रह गया, तब उसने प्रभु की शरण ली और मन ही मन प्रभु की स्तुति करने लगा, जिसे सुनकर भगवान श्री हरि स्वयं आकर उसके प्राणों की रक्षा की। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं इसके पीछे पूर्व जन्म की कथा क्या थी। जब सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, हे सुखदेव जी महाराज, यह गजेंद्र कौन था जिसकी पुकार सुनकर भगवान भोजन छोड़कर आ गए? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, पूर्व जन्म में गजेंद्र का नाम इंद्रदुम्न था। वह द्रविड़ देश का पांडसी राजा था। वह भगवान का बहुत बड़ा सेवक था। उसने अपना राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहते हुए जटाएं बढ़ाकर तपस्वी के वेश में भगवान की आराधना की थी। एक दिन वहां से अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों के साथ गुजरे और उन्होंने राजा को एकाग्रचित्त होकर उपासना करते हुए देखा। अगस्त्य मुनि ने देखा कि राजा अपने प्रजा पालन और गृह, अपने गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म को छोड़कर तपस्वी की राह पर है। अतः वह राजा इंद्रदुम्न पर क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तुम गुरुजनों से बिना शिक्षा ग्रहण किए हुए अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहे हो, अर्थात हाथी के समान जड़ बुद्धि हो गए हो, इसलिए तुम्हें भी अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। राजा ने इस श्राप को अपना प्रारब्ध समझा। इसके बाद दूसरे जन्म में उसे आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि प्राप्त हुई, परंतु भगवान की आराधना के प्रभाव से हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो गई। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपने लोक में जगह दी। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं ग्रह के पूर्व जन्म की कहानी। गजेंद्र को जिस ग्रह ने पकड़ा था वह पूर्व जन्म में हुहु नाम का श्रेष्ठ गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि जलाशय में स्नान कर रहे थे। उसी जलाशय में यह हुहु नाम का गंधर्व चुपचाप अंदर जाकर ऋषि के पैर पकड़ लिए और मगरमच्छ कहकर चिल्लाने लगा। इससे क्रोधित होकर देवल ऋषि ने हुहु को श्राप देते हुए कहा, हे हुहु, गंधर्व तुझे लाज नहीं आती, तुझे संत महात्मा का आदर करना चाहिए और तू मजाक उड़ा रहा है और मगर की तरह आकर मेरा पैर पकड़ता है। अरे दुष्ट, अगर तुझे मगर बनने का इतना ही शौक है तो तुझे मगर की योनि प्राप्त होगी। श्राप मिलते ही वह गंधर्व ऋषि से क्षमा याचना करने लगा। तब ऋषि ने कहा, तू मगर की योनि में जरूर जन्म लेगा, लेकिन तेरा उद्धार भगवान के हाथों होगा। इसी ग्रह रूपी हुहु गंधर्व का उद्धार भगवान श्री हरि ने किया था। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें हमारा ये चैनल।